अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आमीन। आज मैं एक बेबी का मोज़ा लेके आई हूँ, 2-2.5 साल के बच्चे का ये मोज़ा है। तो इसके खाने किस तरह डले हैं और ये एड़ी कैसे बनाई है, ये पंजा किस तरह बना है, ये मैं सब बताती हूँ। पहले हम इसके खाने डालेंगे, बताली खाने डालेंगे 21 जूटे। धागे को ऐसे बाल दे के ऐसे इसको अंगूठे पे बाल देना है 2 दफ़ा, फिर ये धागा इस तरह इसके ऊपर से गुजार के तो ये यूं खींच लेना है। ये 2 दफ़ा बाल दे के इस तरह, फिर ये धागा ऊपर से गुजार के ये इस तरह, फिर ये खींच लेना है। ये धागा इस तरह गुजार के इसको यूं बल दे के तो ये वाला धागा ऐसे ऊपर से गुजार के इस तरह इसको खींच लेना है। ये धागे को इस तरह बल दे के इसको 2 दफ़ा अंगूठे पे बल दे के ये इस तरह सिंगल वाला धागा पकड़ के इसको खींच लेना है। ये इस तरह बाल दे के इसको यूं बाल दे के 2 दफ़ा अंगूठे पे ऐसे, इस तरह ये सारे खाने इसी तरह ही मैं डालूंगी। बताली खाने पहले इस तरह करके फिर ये अंगूठे पे बाल दे के इस धागे को ऐसे गुजार के इसको यूं करके ये धागा सिंगल वाला पकड़ के रखेंगे, इसको खींच लेंगे। ये इस तरह करके इस तरह ये इस तरह बाल दे के इसको 2 दफ़ा ये ऐसे, फिर ये इस तरह। ये मैं बताली खाने बना लेती हूँ, फिर हम इसका बॉर्डर शुरू करेंगे। ये मैंने 21 खाने 21 जोटे डाली हैं, यानी कि 42 खाने। अब इनको एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे।
सारी सिलाई इसी तरह एक सीधा और एक उल्टा बनाएंगे। ये इस तरह इसके छोटे छोटे किनारे से बनते जाते हैं। मैं ये 6 सिलाइयाँ ये वाली और ये एक सिलाई सीधी एक उल्टी बना के फिर आगे ये एड़ी शुरू करेंगे, वो मैं बताऊंगी। ये मैंने 6 बना के एक सीधा एक उल्टा 6 सिलाइयाँ बनाई हैं, फिर उसके बाद एक सीधा एक उल्टी सिलाई, एक सीधी सिलाई एक उल्टी सिलाई बना के 18-19 सिलाइयाँ बना ली हैं ये वाली। अब ये जो है ये दायां पाँव है, सिलाई अंदर की तरफ आएगी ऐसे पाँव में डल के ना, तो ये सिलाई अंदर की तरफ आएगी। इसकी जो सिलाई है हमने इस तरफ करनी है, तो इसकी एड़ी इधर बनाएंगे। अब मैं ये एड़ी बनाती हूँ ये वाली, ये एड़ी बनाऊंगी। तो ये आधे आधे कर लिए मैंने, 21 खाने ये हैं 21 ये हैं। अब ये वाला जो है ना, अभी पहली सिलाई इस तरह सारी सीधी बना के यूं सीधे सीधे सारे बनाने हैं। ये जो ना आखिरी खाना इस तरह बनाएंगे, फिर इसको इधर उतार लेंगे। इसी तरह एक एक खाना हम दोनों तरफ से बगैर बुने उतारी जाएंगे उस एक एक करके। ये उल्टी सिलाई आ गई, सारे खाने उल्टे डलेंगे इसके। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 यहाँ से हम इस तरह वापस मुड़ेंगे। इस खाने को बना के तो फिर अगले बनाएंगे, इसको नेक्स्ट टाइम नहीं बनाएंगे। अभी मैं बना रही हूँ,
इस तरह ये खाना छोड़ देंगे, एक एक करके हम लोग इस तरह 6 खाने इधर से, दूसरी तरफ से भी 6 खाने इसी तरह छोड़ते जाएंगे। ये उल्टी सिलाइए, एक ये खाना छोड़ दिए, अब ये दूसरा, 2 हो गए। इधर भी 2 हो गए और इधर भी 2 हो गए खाने, ये वाले। इस तरह 6 खाने बनाएंगे, फिर आगे एड़ी को बंद करेंगे। ये हो छठा खाना जो है ना, मैंने बना के छोड़ दिया साइड पे। इस तरफ से भी अब छठा खाना बनाएंगे और उसको एक दो तीन चार पाँच और ये 6। इस तरह इनको सीधे बुन के अब हम एक एक करके तो इनको दोबारा से इनके साथ मिला देंगे, बुनते जाएंगे। थोड़ा सा धागा कस के यहाँ से बुनना है इस खाने को। इस तरह एक मिलाया, फिर दूसरी साइड से भी एक मिला लेंगे। ये मिला लिया, अब ये भी मिला लेंगे साथ ऐसे। ये एड़ी बनना शुरू हो गई। ये मिला लिए साथ, बाकी 3 रह गए। इनको भी मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखें एड़ी बनना शुरू हो गई और ये एक रह गया, इसको भी साथ मिला के इस तरह बुन लेंगे।
उल्टी सिलाई बना लेंगे। इधर से एक खाना रहता है वो भी साथ मिलाएंगे। ये बना के ये वाला ये देखें एड़ी बन गई। अब ये जो सारे खाने हम बनाएंगे। एड़ी बन गई। अब ये जो है ना इतनी ये वाली अब जो ना सीधा एक उल्टी सिलाई एक सीधी सिलाई थोड़ी सी बनेंगी। 10-12 हैं ये। मैं बना के फिर दिखाती हूँ। ये मैंने एड़ी बना के यहाँ तक 13-14 सिलाइयाँ डाल ली हैं। अब ये आगे वाली टो पंजा जो है ना वो इस साइड पे बनाएंगे। यहाँ पे इनको आधे करके किस खाने इसका हाफ होगा तो उसका पंजा बनाएंगे। मोजे का पंजा बनाएंगे इसका। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये एक। अब इधर को मुड़ जाएंगे। जिस तरह एड़ी में किया था हमने एक खाना बना के फिर इसको छोड़ देना। दोनों साइडों से एक एक खाना छोड़ते जाएंगे बना के बुन के उसको। ये एक इधर से छोड़ेंगे। बाकियों को बना लेंगे। एक सीधा एक उल्टा सिलाई जो है ये सीधी सिलाई है दूसरी उल्टी है। वो खाना मेरा गिरने लगा था। ये एक उतार लिया। अब ये दूसरा बुन के इसको रहने देंगे फिर दूसरे खाने बुन के। इस तरह हम ना 5 बनाएंगे खाने। मैं बना लूँ फिर बताती हूँ।
ये पांच पांच हो गए तो अब इनको दोबारा से साथ बुनना शुरू करेंगे, ऐसे एक बुन के फिर मुड़ जाना है। ये इसको साथ ले लेंगे एक को, ये एक और मिलाया, इसको भूलने के साथ मिला के ये एक और मिला लेंगे। ये देखिए ये मुन्ना शुरू हो गई, पंजा बन रहा है मोजे का। अब इनको सबको सीधा बुन लेंगे। ये एक और मिला लेंगे साथ। इधर से भी एक और बुन लेंगे साथ। ये साथ मिला लिया एक और। ये एक और मिला लिया साथ। अब ये एक रह गया बस। ये भी मिला लूँ तो फिर बताती हूँ। ये देखें इधर से भी सारे बुन हो गए और इधर से भी, तो ये पंजा बन गया। अब इनको ऐसे करके सीना है।
इनकी सिलाई करनी, तो वो मैं बताती हूँ आपको। इसका ये जो है ना धागा, सिलाई जितना उतार लेंगे यहाँ से काट के, अब इसको बंद कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। ये एक इधर से लेके खाना, एक इस तरफ से लेंगे, ऐसे फिर ये खाना यहाँ से उठा के इसका इधर से धागा गुजारना, इसका ये वाला खाना लेके तो इसको इधर से धागा गुजार के ऐसे खींच ले, फिर ये वाला लेके ये ये खाना ये लेके इसके ऐसे नीचे से इस खाने में से धागा गुजारेंगे ऊन, और फिर ये वाला खाना ऐसे लेके इधर से ऐसे, फिर इसका ये वाला खाना लेके तो इसमें से ऐसे गुजारेंगे, इसी तरह सारे खाने इसके बुन लेने। ये बना के ये दो तीन रह गए हैं खाने,
طرح سلائی کا بالکل نہیں پتہ چلتا ہے اس طرح. اب اس موزے کو الٹا کر کے باقی جو رہ گیا وہ بھی سی لیں گے.